So welcome to the new chapter of accounts, Lipo Notebooks ke upar, rectification of errors. Rectification of errors. Likho iska meaning. While passing some journals, there are few mistakes. So as an accountant, we have to rectify those mistakes. Full stop. Paragraph change. Types of errors. Number one, error of omission. Number two, compensating error. Number three, principal error. Number four, error of commission, etc. ये जो मैंने एरर्स की आपको टाइप्स लिखवाई हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा जब हम चैप्टर कर लेंगे साथ साथ, ठीक है? सारी आज नहीं करेंगे. मैं स्टार्ट करने लगा हूं प्रैक्टिकल टॉपिक. बिफोर आई डिस्कस दैट टॉपिक, बुक से ये चैप्टर अच्छे से पेपर के लिए नहीं करके जाना. जो मैं कॉपीज पे ट्रांजेक्शन लिखवाऊंगा बस वो इनफ है. हम लोग अप्रोक्सीमेटली करेंगे 50 ट्रांजेक्शन मिनिमम, 50 एक ट्रांजेक्शन करेंगे एंड दैट विल बी इनफ फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है? तो ये चैप्टर की जो वेटेज है वो रहेगी 6 मार्क्स की. 6-7 एंट्रीज तो आएंगी इस चैप्टर के से. कई स्कूल्स में 10 नंबर का भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है? अब करने का तरीका क्या है? पहली चीज, ये चैप्टर को हम बुक के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे. हम लोग 3 हिस्सों में अपने पेज को डिवाइड करेंगे. पहला रॉन्ग एंट्री, दूसरा करेक्ट एंट्री और तीसरा रेक्टिफाइड एंट्री. रॉन्ग एंट्री मीन्स जो गलत एंट्री आपने कर दी, करेक्ट एंट्री मीन्स जो एंट्री एक्चुअली में होनी चाहिए थी, और रेक्टिफाइड एंट्री मीन्स उस मिस्टेक को आपने कैसे ठीक किया, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल टॉपिक. लिखो जी क्वेश्चन नंबर 1 कॉपीज के ऊपर. रेक्टिफाई द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज. बोलू? नंबर 1, credit sales to UV 14,000 were not recorded. Number 2, credit purchases from Chahat 18,000 were unrecorded. पहले इसको हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना बेशक. मतलब मैं 5 ट्रांजेक्शन करवाऊंगा, 2 लिख ली तुमने, 3 लाइनें छोड़ के अपना आंसर का फॉर्मेट ड्रॉ कर दो. पहला कॉलम बनाओ रॉन्ग एंट्री का, दूसरा कॉलम बनाओ करेक्ट एंट्री का, तीसरा बनाओ रेक्टिफाइड एंट्री का. 3 कॉलम्स बना लो जल्दी से. रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री. अभिराज, फर्स्ट पॉइंट रीड आउट, क्या लिखा हमने? क्रेडिट सेल्स टू यूवी 14,000 वर नॉट रिकॉर्डेड. नॉट रिकॉर्डेड का मतलब होता है हम भूल गए रिकॉर्ड करना. वी फॉरगॉट.
दिस इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन. क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ ओमिशन. तो एरर ऑफ ओमिशन बहुत आसान एरर है. इसमें कुछ गलती तो की नहीं, कोई रॉन्ग एंट्री तो की नहीं, हमने एंट्री की ही नहीं, ये हमारी गलती है. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? हम एंट्री करना भूल गए. तो इसमें रॉन्ग एंट्री में निल डाल देंगे, करेक्ट एंट्री में लिख देंगे. किसको बेचेंगे गुड्स हमने? यूबी को. तो एंट्री हो जाएगी यूबी टू सेल्स. ये हमने एंट्री करनी थी. अमाउंट कितना है? 40,000. और यही एंट्री हमारी किसमें चली जाएगी? रेक्टिफाइड में, यूबी टू सेल्स. तो मतलब जब भी एरर ऑफ ओमिशन होगा, जब भी एरर ऑफ ओमिशन होगा, जो हमारी करेक्ट एंट्री है वही हमारी क्या बन गई? रेक्टिफाइड एंट्री. इसका रीजन क्या हुआ? कि हमने कोई भी एंट्री गलत नहीं की. अभी रात बैठ जाइए. समझ आया सबको? यस सर. सेकंड वाला पढ़ते हैं. गुरप्रीत सिंह, रीड आउट. क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम चाहत 18,000 बट अनरिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड भी क्या है? एरर ऑफ ओमिशन. तो रॉन्ग एंट्री में क्या डाल देंगे? नेल. अब हमने परचेज किया है, तो एंट्री हमने बचपन में क्या सीखी थी? मतलब प्लस वन की स्टार्टिंग में परचेजेस टू चाहत. तो यही किया, ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी, परचेजेस टू चाहत. जल्दी से नोट डाउन कर लो. फिर थर्ड पे फिर आओ. लिखो नंबर थ्री. जगह छोड़ी हुई थी आपने थर्ड ट्रांजेक्शन की. क्रेडिट सेल्स टू जिसनू 7,000. क्रेडिट सेल्स टू जिसनूर 7,000 रिकॉर्डेड एज 700. रिकॉर्डेड एज 700. चलो भी देखो बोर्ड पे. फर्स्ट कॉलम वाला क्या है? रॉन्ग एंट्री. फिर क्या है? करेक्ट एंट्री. और फिर क्या है? Active. अब हमने जसनूर को गुड्स बेचे, इसकी जो हमने एंट्री करनी चाहिए, करेक्ट एंट्री इज जसनूर टू सेल्स विद द अमाउंट ऑफ. अभी लिखना मत, समझ लो कंसेप्ट को, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. अब हमने रॉन्ग एंट्री में क्या किया? गलती से जसनूर टू सेल्स ही लिखा, पर अमाउंट कितना डाल दिया? सिर्फ एक जीरो कम डाल दी, जिसके कारण हमारी बुक्स में सेल्स की वैल्यू गलत आती है. ठीक है, इतना पता लग गया. अब देखो, हमने कम रिकॉर्ड किया है. 7,000 की सेल को हमने कितना रिकॉर्ड किया है? कम रिकॉर्ड किया ना, तो और रिकॉर्ड कर दो. कितना और रिकॉर्ड कर देंगे? 6,000. बोलो कितना और रिकॉर्ड कर देंगे? 6,300. एंट्री विल रिमेन सेम, जस्ट नो टू सेल्स. समझ आया? इसका आंसर बाद में लिखना, पहले लिखो नंबर फोर. नंबर फोर, गुड्स रिटर्न टू मानिक 5,000 रिकॉर्डेड एज 500. गुड्स रिटर्न टू मानिक 5,000 रिकॉर्डेड एज 500. स्टॉप राइटिंग. हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, मतलब ये हुआ परचेज रिटर्न. क्या हुआ? परचेज रिटर्न. तो जब हम नॉर्मल एंट्री करते हैं परचेज रिटर्न की, तो वो करेंगे मानिक टू परचेज रिटर्न. और अमाउंट कितना होना चाहिए? 5,000. हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया? 500. मानिक टू परचेज रिटर्न 500. सेम सिचुएशन बन गई, हमने अमाउंट कम रिकॉर्ड कर दिया, तो और रिकॉर्ड कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ 4,500. एंट्री विल रिमेन सेम, मानिक टू परचेज रिटर्न. जल्दी से नोट डाउन. नंबर फाइव लिखो. क्रेडिट सेल्स टू गैविन. क्रेडिट सेल्स टू गैविन 7,000 रिकॉर्डेड एज 7,200. क्रेडिट सेल्स टू गैविन 7,000 रिकॉर्डेड एज 7,200. बड़ा ही डिफरेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना इसको पहले, फिर नोट डाउन करना इसका आंसर.
हमने बच्चों सेल की गैविन को 7000 की, यस और नो? हमसे गलती हो गई, हमने एंट्री कर दी गैविन टू सेल्स 7200 से, ज्यादा सेल दिखा दी। अब ये वाला नहीं बना, अब उल्टा बन रहा है उसका। यहाँ पे 5000 को हमने क्या रिकॉर्ड किया था, यहाँ 7000 को क्या रिकॉर्ड कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो अब कैसे ठीक करोगे, इस एंट्री को रिवर्स कर दो, कितने से 200 जितने से ज्यादा रिकॉर्ड किया था उस एंट्री को उल्टा कर दो। एंट्री को उल्टा करने के लिए जो सेल्स क्रेडिट हो रही है वो क्या हो जाएगी, गैविन डेबिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तो एंट्री क्या बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू गैविन, और इसमें अमाउंट कितना डालेंगे 200। समझ आया? हर एक की नरेशन एक ही है, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। पांचों की नरेशन क्या रहेगी, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। तो मतलब जब हमने कोई चीज को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए आप एंट्री को क्या कर दोगे, रिवर्स विद द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। 7000 और 7200 के अमाउंट में डिफरेंस कितना है, 200 रुपए। क्लियर हो गया? और अगर हमने कम रिकॉर्ड किया है, 7000 वाली चीज को 700 रिकॉर्ड कर लिया, तो एंट्री रिवर्स नहीं होगी, सिर्फ उतने अमाउंट से और एंट्री पास कर देगा। क्लियर? नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर टू लिखो, मॉडरेट लेवल, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। लेवल टू या मॉडरेट लेवल, करें स्टार्ट। नंबर वन, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स टू महक 7000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स टू महक 7000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, करें इसको सॉल्व। मैंने थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया, करेक्ट एंट्री पहले फिर क्या लिखूंगा मैं आपसे, तुम वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थर्ड वन इज रेक्टिफाइड एंट्री। ओके, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, महक को गुड्स हमने बेचे हैं या खरीदे हैं, महक को हमने गुड्स बेचे हैं, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए सेल्स वाली, एंट्री शुड बी महक टू सेल्स, कितने अमाउंट से, 7000। हमारे अकाउंटेंट ने सोचा महक से हमने गुड्स खरीदे हैं, उसने इसको सेल्स बुक की बजाय किसमें डाल दिया, तो उसने जो गलती करी है दैट इज परचेजेस टू महक विद द अमाउंट ऑफ 7000। शुक्र है उसने अमाउंट सही डाला है, नहीं तो और पंगा हो जाता हमारे लिए। अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करें, ध्यान से सुनना। हमने की थी सेल, बट गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, तो जो बच्चों गलती से डेबिट हो गया उसको ठीक करने के लिए, इस गलती को ठीक करने के लिए परचेजेस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट अमाउंट बोलो फटाफट से, ठीक है, एक गलती ठीक होगी, यस और नो? जो गुड्स बिके थे उसको हम क्या लिखते हैं, सेल्स। सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, वो हुई नहीं, सेल्स को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि वो करेक्ट है, यस और नो? कितना अमाउंट बन रहा है अभी, 14000। ये किस में डाल देंगे, बोलते नहीं, आया समझ कैसे बना रेक्टिफिकेशन। देखो हमने गुड्स बेचे थे महक को कितने के, तो एंट्री क्या हो गई, महक टू सेल्स। हमने गलती से क्या कर दिया उसको, परचेजेस टू महक कर दिया, क्लियर? जो आपने गलती से डेबिट कर दिया विराज, उसको ठीक करने के लिए अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए वो भी तो नहीं हुई ना क्रेडिट,
उसको भी क्या कर दोगे क्रेडिट, दोनों का अमाउंट किस में डाल देंगे, किस बंदे में डाल देंगे, जिस बंदे का क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है एंड दैट इज मैं, तो मैं कितने से डेबिट हो जाएगी 14,000 रुपीज से। यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, जल्दी से नोट डाउन कर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर टू ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज, लिखिए कुछ ट्राई करनी है आपने, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम इंदर 18,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम इंदर 18,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने गुड्स परचेज किए लेकिन गलती से किस में डाल दिए, सेल्स में, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू इंदर, हमने कर दिया इंदर टू सेल्स, करो जरा रेक्टिफाई, चलो लेट्स सी क्या आंसर बनेगा इसका। हमने क्या किया था उससे, परचेज बोलते नहीं, परचेज किया था, तो परचेजेस टू इंदर और हमने गलती से कर दिया इंदर टू सेल्स। अब देखो जो गलती है पहले उसको ठीक करो, सेल्स को आपने क्रेडिट किया है क्या कर दोगे, और परचेजेस तो डेबिट होना ही चाहिए, परचेजेस भी डेबिट हो जाएगा, बचा कौन बेचारा इंदर, इसमें आएगा 36,000, इसमें आएगा 18,000, इसमें भी आएगा 18,000, किस किस का, ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। क्या गलती की थी, नीचे मतलब आपको जर्नल्स नहीं आता, हाँ जी वेरी गुड, कीप इट अप, कर लिया नोट डाउन, नेक्स्ट लिखो, देखते हैं अब ये किसका ठीक होता है। ट्रांजेक्शन नंबर थ्री, राइट डाउन, गुड्स रिटर्न टू मोक्ष, गुड्स रिटर्न टू मोक्ष 8,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, गुड्स रिटर्न टू मोक्ष 8,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, मतलब था परचेज रिटर्न, हमने क्या बना दिया सेल्स रिटर्न। अब नॉर्मल जर्नल नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते तुम, अच्छा योर प्रॉब्लम, मैं करेक्ट एंट्री क्या थी, करेक्ट एंट्री मोक्ष टू परचेज रिटर्न, हमने कर दी सेल रिटर्न टू मोक्ष, हमने गलती से सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, क्या कर देंगे क्रेडिट, और परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा ही होगा, ऊपर आ जाएगा मोक्ष, किस किस का ये वाला पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गुड। नेक्स्ट राइट डाउन कितने हो गए इस क्वेश्चन के, नंबर फोर, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका पादुकोण, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका पादुकोण 2,000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, गुड रिटर्न फ्रॉम दीपिका, मतलब दिस इज व्हाट सेल्स रिटर्न, हमने गलती से कहां डाल दिया परचेज रिटर्न। गुरप्रीत सिंह इसका आंसर बता दो बच्चे, इसका दो गैविन सर, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू एक्ट, अमाउंट 4,000 सर एक्स में आ जाएगी और परचेज रिटर्न आप ठीक है जी। लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर टुडे नंबर 10 मतलब नंबर 5 ऑफ सेकंड क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चाहत, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चाहत वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चाहत वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चाहत रिकॉर्डेड इन परचेज बुक टू। चलो भी देखो कैसे होगा, हमने गुड्स क्या करें, देखो
सेल रिटर्न मतलब सेल रिटर्न आई है हमें चार से, तो एंट्री क्या हो गई सेल रिटर्न टू चार। हमने गलती से किस में डाल दिया, यहाँ पे दोनों में नीचे क्या है चार। That means इसका अकाउंट तो ठीक हुआ है, करेक्ट हुआ है, चाहत ही क्रेडिट होनी चाहिए थी, चाहत ही क्रेडिट हुई है, तो ये कैंसिल हो गई। अब देखो हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए नीचे क्या लिख देंगे, और डेबिट होना क्या चाहिए, तो एंट्री क्या बन गई सेल्स रिटर्न टू परचेजेस, दैट्स इट। चाहत का अकाउंट ठीक करेक्टली क्रेडिट हुआ, तो वो करेक्टली क्रेडिट में हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। विल कंटिन्यू द क्लास इन द नेक्स्ट सेशन।